हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चोरी हुआ ट्रक जब्त, आरोपी गिरफ्तार। सरहदी बाढ़ में जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कृषि मंडी से 12 जुलाई की रात्रि को चोरी हुआ ट्रक जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने ट्रक को 17 जुलाई को सांचौर के पीरों का जाल सरहद से बरामद कर लिया था। वहीं पुलिस की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया था। कोतवाल उगमराज के निर्देशन में सब इंस्पेक्टर छगनलाल मय टीम ने जगह जगह दबिश देकर आरोपी पोखरा राम भील निवासी जूना पतरासर को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल उगमराज के मुताबिक 14 जुलाई को परिवादी उमेश सिंह के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक सहित आरोपी पोखरा राम भील को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 81,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पोखरा राम ने बाड़मेर से ट्रक चुरा कर रानीवाड़ा ले गया, जहां उसने 250 क्विंटल बाजरी भरकर जैसलमेर के मयाजलार के लिए सप्लाई करने का कहकर निकला था, जो कि गुजरात में बाजरी बेचकर खुर्द बुर्द कर दी है। इस मामले को लेकर रानीवाड़ा में भी प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करने में जुट गई है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए उगमराज शहर कोतवाल इन्होंने ये कहा। दिनांक 13/7 को प्रार्थी उमेश सिंह ने एक लिखित रिपोर्ट पेश करी थी कि मेरे ट्रक था जो कृषि मंडी के बाहर की साइड में मैं खड़ा हमेशा करता हूँ और वहाँ से घर चला जाता हूँ, तो 11 तारीख को खड़ा किया था और 13 तारीख को आके देखा तो ट्रक था नहीं, जिस पर सब इंस्पेक्टर छगनलाल जी को और एक टीम बनाकर उनको सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो भी उसके लोकेशन वगैरह के बारे में पता किया, तो इनकी मेहनत और कंप्यूटर वाला या और जो भी है तकनीकी सहायता से मुलजिम का नाम ट्रेस आउट हो गया और ट्रक ले जाते हुए उसका कोई आ गया डिटेल। उस आधार पर मुलजिम आइडेंटिफाई होने के बाद में मुलजिम की लोकेशन निकाली तो उसकी लोकेशन गुजरात पाई गई, जिस पर छगनलाल सब इंस्पेक्टर और टीम ने जाकर दबिश दी तो ट्रक तो बरामद हो गया था लेकिन मुलजिम वहाँ से भाग गया था। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।